इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड हेटेड मूवी आदिपुरुष रिलीज हो चुका है, जिसका डर था इन्होंने वही कर दिया। पिछले साल इसका टीजर आने के बाद बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था ऑडियंस से, फिर इस मूवी को डिले करके 500 करोड़ का बजट बढ़ा के 700 करोड़ कर दिया गया। उसके बाद मूवी का कलर ग्रेडिंग सुधार के थोड़ा और VFX हैवी करके मूवी के 3 ट्रेलर्स निकाले गए, और वो भी बड़े चालाकी से। एंड ट्रेलर्स में ना तो रावण का लुक दिखा और ना ही डे टाइम का कोई सीन, जिससे इनके फ्लॉज एक्सपोज ना हो जाए। खैर मूवी भी वैसे ही है जैसे एक्सपेक्ट था ओम नोलन राउत से, बट दया आ रहा है मुझे एक्ट्रेस पे सिवाय प्रवास की, क्योंकि 150 करोड़ लेने के बाद भी प्रभु राम के रोल में वो फिट नहीं बैठ पाए। स्टोरी की बात तो क्या ही करे, जो स्टोरी इंडिया के हर बच्चे को पता है, लेकिन लास्ट रामायण पे मूवी आई थी एनिमेटेड, और वो भी जापानीज क्रिएटर से, और 6 साल की रिसर्च के बाद पराये देश के लोगों ने इस देश के धर्म को जितनी खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया था, हमारे ओम नोलन राउत ने उसी स्टोरी को 700 करोड़ का बजट लेने के बाद भी संभाल नहीं पाए। मैक्सिमम सीन्स इवन प्रभास के बाइसेप्स भी CGI से बने थे, और जहाँ पे CGI की जरूरत थी जैसे कि सैफ के बालों पे, वहाँ पे इनको आलस आ गया। लक्ष्मण और सीता को फिर भी ठीक ठाक लगा, बट हनुमान क्या श्री राम से नाटे थे। वैसे इसके प्रमोशन पे ओम राउत ने रोते रोते बोला था हर थिएटर में एक सीट कम से कम छोड़ने, ताकि हनुमान आके ये मूवी देख पाए। बट मैं तो कहता हूँ अगर हनुमान ने ये टट्टी देख ली फिर ये ओम राउत का आखिरी मूवी होने वाला है। अब टीजर के VFX CGI से मूवी में काफी सुधार दिखा, लेकिन डे लाइट वाले सीन्स डार्क हो गए, और ज्यादातर फाइट सीन्स भी रात में ही है, जबकि सूरज डूबने के बाद युद्ध विराम हो जाता था। अब ये डिटेल्स भी अगर किसी रामायण के ऊपर बनी फिल्म मेकर को सिखानी पड़े फिर तो। वैसे स्टोरी को छेड़छाड़ नहीं किया ओम राउत ने फिर उनका रोड पे निकलना मुश्किल हो जाता। अब जितना भी हाथ पैर मार ले मूवी रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस बिल्कुल खुश नहीं है। मेरी बात अगर ना भी मानना चाहो फिर भी किसी मूवी देख के आने वाले बंदे से पूछो कैसी लगी मूवी, हर किसी का जवाब सेम ही होगा कि ऐसी बनानी थी फिर क्यों ही बनाया गया, इससे अच्छा तो रामानंद सागर का रामायण देख लेते। और मुझे लगता है ओम राउत ने ना तो रामायण देखी और ना ही रामायण पढ़ी, नहीं तो पहली बात एक ही मूवी में ये इटरनल एपिक स्टोरी लाइन कवर करने की गलती ना करते, और ना ही 700 करोड़ का बजट लेके 250 करोड़ के एक्टर्स को डिफिकल्टी ना। इसलिए ओम राउत ने सोचा क्या जरूरत है एक फॉरेस्ट में जाके शूट करने की, अपने फिल्म सिटी में करके VFX से सुधार लेंगे। और VFX CGI वालों ने भी जो काटा है, मतलब इस साल की इंडियन मूवीज में सबसे जरूरी मूवी और शायद वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट मूवी जो हो सकता था, उसे इस तरीके से वेस्ट ना करते। अब इससे जनता का बैकलैश तो मिलेगा आदिपुरुष की टीम को, उसके लिए अंडरग्राउंड होने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता। वैसे पूरी तरीके से नेगेटिव रिव्यू है मूवी के लिए। अगर किसी को रामायण के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि रामायण की स्टोरी क्या है, वैसे 0.1% लोग ही ऐसे होंगे तो शायद उन्हें ये मूवी थ्रिलिंग लगे। बाकी मैं तो इसके बेवकूफियों को इग्नोर नहीं कर सकता, बट आप इस वीडियो को इग्नोर ना करके लाइक बटन प्रेस कर दो। एंड इस पॉप कल्चर फैमिली से जुड़ना है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन अगर लाल है तो उसे जय श्री राम कह के दबा दो। एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाइन।